रही है व्हील अलाइनमेंट सही। एक गाड़ी करा दी है सर्विस, सर्विस ऐसे वही पेंट वाला जॉब। ठीक है अब रोना गाना नहीं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक चल पूछो अच्छे से। हाँ ये बात घुमा के तो सेकंड कॉफी इन द मिडल ऑफ भोपाल हो रही है व्हील अलाइनमेंट सही इधर की और उधर की। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23rd of September और समय हो रहा है ऑलमोस्ट अभी 9:30। और फिलहाल मैं हूँ अपनी गाड़ी में और हम जा रहे हैं आज फाइनली इंदौर। मेरी मास्टर्स वहाँ से हो रही है सो मैं वापस इंदौर आ रहा हूँ 2 सालों के लिए। तो सारा सामान वामान जो भी कपड़े थे घर पे सब मैंने पैक कर दिया, हर चीज़ पैक कर दी है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची हैं वो चल रही हैं लास्ट की। बाकी अभी मैं कार लेने आया हूँ, कार की सफाई कर दी है और बस अपने को नहा के ना सिर्फ निकल रहे हैं। सो अभी प्लान ये है कि अपन नहाएंगे और नहा के सीधे कट लेंगे। सारा कुछ है, फ्यूल वूल वगैरह हम लोग रास्ते में टॉप अप करा लेंगे। बाकी सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और लेट्स गो एंड स्टार्ट द व्लॉग। एंड आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल गाड़ी को कर दिया है कोल्ड स्टार्ट, RPM भी नीचे आ गया है तो फोटो से चलते हैं। ठीक है अब रोना गाना नहीं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक चलिए रोग आओ नहीं बना लेंगे वीडियो ऐसे रोना गाना नहीं है चलो ये रोग आओ नहीं जी आ रहे हैं। भैया चल पड़े हैं इंदौर के लिए वापस रुक करने, तो साथ में मिलके जयकारा लगाते हैं सियावल रामचंद्र की जय 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 बजरंगबली। चल तो भाई निकल चुके हैं फाइनली घर से और अच्छा लगा थोड़ा सा। मम्मी पापा, पापा तो नहीं, मम्मी थोड़ा सा सैड हो गई तो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत सबको लगता है जब आपका बच्चा या फिर कोई भी हो कहीं जाता है बाहर तो एक जेन्युइन फीलिंग है तो वो होती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हमने भी है पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल हो रहे हैं, कितना बज रहा है, ऑलमोस्ट 1 होने वाला है। और भाई साहब अभी हैं नहीं, गए थोड़ा सा अपनी दवाई वगैरह लेने। तो देखते हैं, सो फार सो गुड, अच्छा ही चल रहा है। बाकी जैसा जैसा आगे होता रहेगा, पेट्रोल अभी टॉपअप करवाना है, अभी जाके हमें कनौड़िया पेट्रोल पम्प से गाड़ी में हवा करवानी है अच्छे से, फिर उसके बाद अपन ऑफिशियली निकल जाए, निकल तो अभी चुके। चलो सो फार सो गुड, सब अच्छा है, आगे भी होगा, बजरंग बली की कृपा है। चलो भैया सब एकदम सामान वामान पीछे एकदम भरा हुआ है, एक भी गाड़ी में जगह नहीं है। पीछे डिक्की में पूरा भरा हुआ है, पीछे वाली सीट में पूरा भरा हुआ है, सब कुछ पहुँच जाएंगे। तो भाई गुड इवनिंग। और अभी हो रहे हैं, अरे कितना हो रहा है, अभी हो रहे हैं 6:30 और मैं आ गया हूँ अभी फ़िलहाल जबलपुर के आगे एक जगह भीटा दिख रहा होगा आपको क्या है। तो भीटा में रुक के अपन पी रहे हैं चाय और बनवा रहे हैं मैगी। तो मैगी वैगी थोड़ी खा के पेट पूजा करके फिर गाड़ी चलाएंगे। तो रीवा से तो मैंने यहाँ तक चला ली, अब इसके बाद से भैया चलाएंगे
जितना भी भैया चला पाएंगे, उसके बाद फिर अपन ले लेंगे। जाना बहुत है और रात में जब सोएंगे तब बताएंगे कहाँ सोए। बाकी मैगी आ रही है, मैगी खाएंगे। भाई साहब हमारे शीशा पोछ रहे हैं बड़ा घिस घिस के। अच्छे से पोछो, अच्छे से। हाँ ये बात, घुमा के एक रगड़ रगड़ के। सो फोर्थ टोल ऑफ द डे। ये एरिया भी हमें नहीं पता, आगे चल के बता देंगे अगर पता चलेगा। और यहाँ देखते हैं अपने को कितना लिया जाता है। खोलो भैया, खोल दो। क्या बात है, बहुत तेज काम है भैया। सो टोल नंबर 5 ऑफ आर जर्नी, एंड काफ़ी बार टोल है। देखते हैं यहाँ कितना लगता है। अभी शर डंडा कड़ा है इस वाले में, इसी में चलते हैं। टिका नहीं जैसा मैंने चाहा, मुझे वैसा कोई दिखा नहीं। पर तो भैया अब आ गए अपना छठा टोल, 6th टोल ऑफ द जर्नी। इस बार तो अपन पूरा काउंट करके चल रहे हैं कितने टोल हैं। क्या हो गया भैया आपका ट्रक? ज्यादा तेज से थे ना, ब्रेक मार दिए थे। पीछे हमारे ट्रेलर है। चलिए चलो भैया, 6th टोल आ गया। 7th टोल ऑफ आर जर्नी, जिसका कोई नाम ही नहीं है, बस टोल है। ना लोग हैं ना कुछ है। नया टोल बना भाई, नया। तो भाई बैठे हैं मिडवे रिट्रीट सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। अब मंगाई है एक एक कॉफ़ी, हम भी पी रहे हैं, भैया भी पी रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। एक कॉफ़ी मारते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक खींच सकते हैं। फिर बीच में खाना खा लेंगे, चाहे यहीं खाना हो यहीं खा लेंगे। अभी देखते हैं, अभी सोचते हैं उनके। फिर आते हैं कॉफ़ी आप। तो सेकंड कॉफ़ी आफ्टर मील। अभी अपन ने खाया बढ़िया दाल रोटी और सब्ज़ी भी घर से लेके आए थे, उसको गर्म करा के उसको भी खा लिया। फिर खाना खाने वाली एक और कॉफ़ी। कॉफ़ी ज़रूरी है, खाना में पेट भरना खाना ज़रूरी है। और मस्त अब थोड़ी देर रुकेंगे और फिर निकल लेंगे। ये है ड्राइवर साहब जी वालिक। सो इन द भोपाल सिटी ऑफ लेक्स। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 0 मतलब कि 12:42 0:42। तो बस अपन पहुंच गए ऑलमोस्ट भोपाल शहर के अंदर ही हैं। ये है भोपाल शहर, अपन बाईपास करते हुए भोपाल को निकल जाएंगे। मंडी दीप हो गया, भोपाल ही है। भोपाल ही है, सब शहर के ही अंदर का हिस्सा। होटल प्रकाश इन सब। हाईवे रिट्रीट, लाइटें अच्छी लगी मुझे, काफ़ी सही लाइटें। तो ये है सीन। अब चलते हैं अपन, अगला स्टॉप है अपना डोडी। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो भाई इन द मिडल ऑफ भोपाल, तो छोटा सा हॉल्ट ब्रेक लिया था इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर लेक व्यू है, रात का टाइम है तो बहुत दिखा नहीं सकता बहुत। और लेक व्यू ही है पर अंधेरा है। और ये होटल ताज वाली लाइन है पीछे, इधर होटल ताज पड़ता है। और अब अपन जा रहे हैं सीधे भोपाल से बाहर। तो दिस इज वॉज द रोड, चलो चला जाए। कुछ फोटोज ले ली थोड़ी बहुत, रात का समय था। तो करेंटली वी आर एट न्यू राजपूत रेस्टोरेंट। यहाँ लिया है हॉल्ट ब्रेक छोटा सा और अभी चलेंगे यहाँ से आगे इंदौर के लिए। मुँह धो के और अपन मस्त चाय वाय लेंगे। चाय वाय लेके फिर चीज़ें निकल जाएंगे बाहर। चाय ले लें।
ये है न्यू राजपूत रेस्टोरेंट। अरे गुरु, तो भाई साहब अभी गए हैं होटल का पूछने। वैसे अपन इंदौर तक खींच सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, लेना अपने को होटल ही है, तो यहीं देख के देखते हैं, अगर अच्छा सही रेट से मिल गया तो यहीं होटल ले लेंगे, वरना तो फिर डोडी तो है। अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी ट्रक्स की इंजन्स, क्योंकि ये नेशनल हाईवे ही है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा नेशनल हाईवे ही है, और नेशनल हाईवे से ही लगा राजपूत ढाबा है, न्यू राजपूत ढाबा। चलो देखते हैं क्या सीन है, क्या चार्जेस है, और कुछ ऐसा होगा एक आपको बता देंगे। पेट तो फुल है, चाय मारेंगे, और टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, 1:50 हो रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, ये है नेक्स्ट डे। तो कैसी रही भैया नींद गाड़ी पे? एक नंबर। अपन दोनों कल रात में लगभग 3:30 के आसपास पहुँचे डोडी, और डोडी में ही अपन गाड़ी के अंदर सो गए। फिर सोने के बाद कुछ होश रहा नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ, सवेरे 7 ही नींद खुली, और अभी फ्रेश अप होके ब्रश वश करके ये अपना नाश्ता, पोहा, चाय, जलेबी और समोसे ऑर्डर अभी और किए। चलो भैया खाएं इसको। तो कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक, दिन वही है और ये क्या था कैसे हैं तो दिन वही है, हम भी वही हैं, और जा रहे हैं अभी फिलहाल नया फ्लैट देखने। अपन ने 4-5-6 प्रॉपर्टी तो देख ली, कुछ अपने को जमी नहीं, अब और देख रहे हैं, एक और भैया के पास जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ कितना जमता है, का जो भी होगा तो आपको थोड़ा बहुत लुक दे देंगे। अब बाकी अभी तो जस्ट बारिश हुई है इंदौर में, देखो आप एक ग्लास में पानी, रोडों में पानी सब भरा हुआ है, और अभी हो रहा है ना टाइम ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, 5 बजने वाले हैं, 4:45 है, और अपन निकल पड़े हैं एक और नया घर देखने। आज खूब घर देखेंगे, आज भरी घर डेक डालेंगे, नाप देंगे इंदौर एक। तो भाई साहब, अपने ब्रोकर भाई साहब ने अपने को बुलाया है बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, तब जाके उनसे मिलते हैं। फ़ोन भी लगा दें, ठीक है फ़ोन भी लगा देते हैं। कौन है भैया? ओ SUV नहीं, स्कॉर्पियो एन। अभी बताते हैं ना, पहले बन तो जाए।